साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान की हथकड़ी में एहतसाब अदालत पेशी का मामला, चेयरमैन नैब का इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन, एडिशनल डायरेक्टर नैब लाहौर मोहम्मद रफी को मुअत्तल कर दिया, एएसआई को भी मुअत्तल करने के लिए आईजी पंजाब को सिफारिश, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की पंजाब यूनिवर्सिटी के वक्त को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी, बोले मुल्क से बदउनवानी का खात्मा पूरी कौम की आवाज है, मेगा करप्शन केसेस को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नैब ने साल 2017 में 6 अरब 24 करोड़ रुपए की रिकवरी की, 404 गिरफ्तारियां और 285 इंक्वायरियां मुकम्मल की। नैब लाहौर की रवा साल रिकॉर्ड कारकर्दगी, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब ऑफिस का दौरा, डीजी नैब की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौरे काम कर गए, प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए कंसल्टेंट फीस 500 रुपए मुकर्रर, वार्ड चार्जेस फी दिन 1500 रुपए होंगे, तमाम ऑपरेशन डायलिसिस और एंडोस्कोपी पर 50% रियायत, रूम रेंट आईसीयू सीसीयू पर भी 10% कमी, फारूक अस्पताल डॉक्टर अस्पताल हमीद लतीफ अस्पताल नेशनल अस्पताल सर्जीमेट और मिड सिटी अस्पताल के सीईओ ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए, लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी टेस्ट के चार्जेस पर भी 10% रियायत। 3 माह से पैसों की अदम अदायगी पर प्राइवेट पेट्रोल पंप मालिकान का डॉल्फिन फोर्स को पेट्रोल की फराहमी से इनकार, पेट्रोल की बंदिश से डॉल्फिन फोर्स के पेट्रोलिंग मुतासर होने का खदशा, पंजाब पुलिस ने अगस्त से लेकर अब तक वाजिबात अदा न किए। हमें अपनी इज्जत वापस देने के लिए रवैया बदलना होगा, किसी को राजी करने के लिए नहीं, आवाम की भलाई के लिए काम करेंगे, नए आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का पुलिस रिफॉर्म्स के लिए दरबार से खिताब, तमाम अहलकारों को हफ्तावार छुट्टी देने का ऐलान, आईजी ने इंस्पेक्टर्स के बाद एएसपीज और डीएसपीज का दरबार भी कल बुला लिया। पुलिस के वर्दी फिर तब्दील होगी, आईजी पंजाब का बड़ा फैसला, आईजी पंजाब का डिजाइन यही रहेगा, रंग बदलेंगे, वर्दी हमने पहनी है, किसी को क्या एतराज हो सकता है, आईजी अमजद जावेद सलीमी, वर्दी के तब्दीली के लिए कमेटी कायम, पुलिस दरबार में तमाम इंस्पेक्टर्स ने खड़े होकर नई वर्दी लाने की अपील की। पुलिस इस्लाहात का मीठा लेक्चर, अहलकारों को नींद आ गई, आईजी साहब पर शनासी का लेक्चर देते रहे, पुलिस अफसरान नींद के मजे लेते रहे, पुलिस दरबार में इंस्पेक्टर्स की अदम दिलचस्पी, पुलिस अफसरान खाबू में मस्त। वकला ऐसा काम ना करें जिससे वकला गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़े, वकला ठेकेदार नहीं होते, कानून से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, वकील की तैयारी अच्छी होगी तो फैसला भी अच्छा होगा, जस्टिस शाहिद जमील का लाहौर हाईकोर्ट बार में सेमिनार से खिताब। ड्रीम हाउसिंग स्कीम रावण रोड को प्लानिंग परमिशन जारी करने का मामला, खिलाफ जाब्ता और स्कीम पर नवाजिशात करने पर 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट उस्मान खनी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर, डायरेक्टर अहमद मुमताज बासत कमर और अमीर हसन कमेटी में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। मैं सिर्फ बेटा इंसाफ चाहना, बस मेरा नाम इंसाफ होना चाहिए, बस और कोई मैं गल नहीं कर रहा, मेरा नाम सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। सरकारी अराजी कब्जा केस में मंशा बम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, कब्जा माफिया डॉन, मंशा बम बेटे आसिम मंशा समेत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश, अदालत ने मुलजिम का 7 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया, मुलजिम को 22 अक्टूबर तक जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में जमानत कबल गिरफ्तारी का मामला, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक हाईकोर्ट में पेश, ख्वाजा बरादरान ने 5-5 लाख रुपए के 6 जमानती मचल के जमा करा दिए, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा बरादरान की अबूरी जमानत मंजूर की थी।
मुल्तान रोड पर एलडीए का ऑपरेशन, 87 करोड़ रुपए मालियत की कमर्शियल अराजी व गजार। महकमे वकाफ की 285 मरला जमीन पर 2 नीलाम घर, 2 हवेलियां और 12 दुकानें मिसमार। मौजा बेगम कोर्ट में 103 केनाल अराजी व गजार करवाई गई। जिले इंतजामिया का भी एक्शन, 540 केनाल सरकारी अराजी से कब्जा छुड़वाया। रेलवे पुलिस का भी महकमे की अराजी पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। ताजपुरा में मकीनों का ऑपरेशन के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाज। पैसा बनाने और काम न करने की रविश नहीं चलेगी, तसल्ली बख्श रिपोर्ट्स नहीं मिल रही, अवामी शिकायत पर सख्त बाजपुरस होगी। घोष मुलाजमीन और काम न करने वालों की छुट्टी कराएं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इजलास में सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की अफसरान को वार्निंग, बोले अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद शहर में सफाई नहीं हो रही। एमडी फारूक कयूम बट और जीएम ऑपरेशन सुहेल मलिक को 48 घंटे की मोहलत। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार के डॉक्टर्स हस्पताल आमद, जेरे इलाज अमीर आलमी तबलीगी जमात हाजी अब्दुल वहाब की आयादत की। खारी दरिया की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ, इलाज के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हकीकत पर मबनी और मौजूदा वसाइल में बेहतरीन बजट पेश किया। ज़रई शोबे पर बरवक्त तवज्जो दी जाती तो ज़रई मुबादला बच सकता था। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मख्तूम हाशिम जमाबख की पोस्ट बजट ब्रीफिंग, दरामदी लग्जरी गाड़ियों पर आए टैक्स में छूट दी गई। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना दुकान फीका पकवान, फ्लैटिस होटल का स्टोर एरिया, एम्बेसडर होटल का किचन सील, होटल वन, निशात होटल, ग्रैंड पाम होटल और हॉस्पिटैलिटी इन को वार्निंग नोटिस जारी। लाहौर न्यूज की निशानदही पर डीजी एफआईए का बड़ा एक्शन, मातहत अमले से नारवा सलूक पर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान ओहदे से बरतरफ। साइबर क्राइम सर्कल में तैनात अफसरान ने डॉक्टर रिजवान के खिलाफ आवाज उठाई थी। लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबा शदीद माली और इंतजामी बहरान का शिकार। कंपनी मुलाजमीन गुज़श्ता 3 माह की तनख्वाहों से महरूम, बिल्डिंग का किराया और यूटिलिटी अलाउंस नहीं अदा किया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बिल सरकारी स्कूलों के बजट से देने का इंकशाफ। स्कूलों में ऐसे कितने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हैं, महाना कितना बिल अदा किया जा रहा है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया। 20 अक्टूबर तक गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स को रजिस्टर्ड करवाने की तारीख में तौसी, चेयरमैन मोबाइल फोन्स एसोसिएशन की वजीर मुमलकत हमाद अजहर से मुलाकात। एफबीआर हुकाम की जानिब से मामले को मिलकर हल करने की यकीन दहानी। ताजर रहनुमा बाबर महमूद कहते हैं चंद कंपनियों की अजारादारी के लिए ताजरों को बेरोजगार नहीं होने देंगे। स्मगलर हसीना की मंशियात केस में पेशी, वालिद की जानिब से भिजवाई गई रकम ट्रीसा को मिल गई। सजा हुई तो सिफारत खाना मेरी मदद करेगा, ट्रीसा की गुफ्तगू समाप्त, 20 अक्टूबर तक मुलतवी। वूल और कॉटन के धागों से दिलकश मंजर कशी, पीसी होटल में कारपेट मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से नुमाइश, हाथ से बने खूबसूरत कालीन सबकी तवज्जो का मरकज। अलहमरा हॉल में फने मुसवरी की नुमाइश, ऑयल पेंट, फाइबर ग्लास, स्टोन्स और पर्ल्स का इस्तेमाल, माशरती मसाइल जहनी उलझनों का कमाल इजहार। देखने वाले इंसानी फितरत के मनाजिर में खो गए। और एफएमसी इंटरनेशनल स्कॉच चैंपियनशिप, पाकिस्तान के खिलाड़ी तैयब असलम फाइनल जीत गए।